हेलो फ्रेंड, एक्सेल ट्रिक की 60 वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ खास ट्रिक के बारे में जो कि आपके एक्सेल में काम करने के एक्सपीरियंस और स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी। जैसे कभी कभी जब हम एक्सेल पे काम करते हैं तो हमारे हर सीट पे अलग अलग इंफॉर्मेशंस होती हैं। जैसे किसी कंपनी का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हो सकता है कि पहले पे कंपनी के स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सीट टू पे हमने कभी कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी हो, सीट थ्री पे हम लोग सपोज करिए एक्सपेंसेस के बारे में हमने कोई रिपोर्ट तैयार रखी है। तो देखिए यहाँ पे हाँ, ये सारे सीटों का नाम सेम है, केवल वन टू में डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि सीट वन, सीट टू, सीट थ्री जितने भी सीटें हों, हम उनके उन सीटों पे किए गए काम के अनुसार उनका नाम चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं, रीनेम सीट पे क्लिक करते हैं और सपोज करिए सीट वन पे हमने स्टॉक के बारे में लिखा है तो हमने यहाँ पे स्टॉक लिख दिया। देखिए हमारे पास ये सीट हमारी स्टॉक हो गई। और सीट टू पे हमने एम्प्लॉय के बारे में, सैलरी के बारे में लिखा है तो हम यहाँ पे रीनेम सीट करते हैं और एम्प्लॉय हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब बिना सीट पे गए ही हमें मालूम हो जाता है कि पर्टिकुलर सीट पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। अगर हमें स्टाक का रिपोर्ट देखना है तो हम स्टाक पे जाएंगे, एम्प्लॉय का रिपोर्ट देखना है तो एम्प्लॉय में जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इनको कलर से भी थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसके लिए सीट पे क्लिक करके हम फॉर्मेट पे जाएंगे, टैब कलर, जो भी टैब कलर चाहिए अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह मैं इसका भी टैब कलर चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा स्टाक का जो कलर है रेड है और एम्प्लॉय का जो कलर है ग्रीन है। ओके, तो ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।